हेलो, वेलकम टू आवर चैनल 10 का ज्ञान। आज हम लोग BCCLE कॉलेज काउंसलिंग फीलिंग के बारे में बात करेंगे कि कौन सा कॉलेज आपको पहले देना उचित रहेगा। आप किसी भी ब्रांच के हो, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, आप किसी भी ब्रांच के हो, तो आप किस हिसाब से अपना कॉलेज प्रिफ्रेंस को डालिएगा, वो अभी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि किस कॉलेज का कैंपस कहाँ पर है। जैसे कि मधुबनी का कैंपस जो है दरभंगा में है, जहानाबाद का गया में है, भोजपुर का बख्तियारपुर में है, वेस्ट चंपारण का मोतिहारी में है, शिवहर का भी मोतिहारी में है, समस्तीपुर का मुजफ्फरपुर में है, लेकिन ये इस बार से हट जाएगा क्योंकि इसका कैंपस बन के तैयार हो चुका है समस्तीपुर का इस बार से, तो इसको छोड़ दीजिए। ठीक, नवादा का एनसी चंडी में है, शेखपुरा का भी एनसी चंडी में है, औरंगाबाद का सासाराम में, खगड़िया का पूर्णिया में, किशनगंज का पूर्णिया में, और बक्सर का बख्तियारपुर में। इन सब का जो कैंपस है अभी यहाँ पर शिफ्ट है। अगर आप लोग को पूर्णिया कॉलेज चाहिए या आप लोग पूर्णिया के हैं, तो आप लोग खगड़िया और किशनगंज दोनों डाल सकते हैं कि आप लोग को आपका जो सेंटर रहेगा वो पूर्णिया ही रहेगा। अगर आप लोग वेस्ट चंपारण के हैं या आप लोग मोतिहारी के हैं, तो आप लोग शिवहर और वेस्ट चंपारण में भी एडमिशन ले सकते हैं। इसी हिसाब से अगर आप लोग को गया कॉलेज नहीं मिलता है, तो आप लोग प्रिफ्रेंस में गया के जस्ट नीचे में जहानाबाद वाला कॉलेज डाल सकते हैं। इस तरह से आप लोग का जो प्रेफरेंस है वो अच्छा रहेगा। चलिए अब हम लोग कॉलेज का लिस्ट देखते हैं। 38 कॉलेज है पूरे बिहार में। उस हिसाब से देखते हैं कि आप लोग को कौन सा कॉलेज कहाँ पर डालना चाहिए। तो ये रहा टोटल 38 कॉलेज का लिस्ट, जिसमें कि भागलपुर, बख्तियारपुर और MIT मुजफ्फरपुर, ये तीनों कॉलेज रैंक 50 या रैंक 100 के अंदर आया होगा तो ही आप लोग को मिलेगा, नहीं तो ऐसे इस तीन कॉलेज का चांस बहुत ही कम है, बहुत ही कम कि आप लोग को भागलपुर, बख्तियारपुर और मुजफ्फरपुर मिल जाए। उसके बाद फिर एक है गया कॉलेज। इन चारों कॉलेज के लिए आपको रैंक बहुत ही ज्यादा अच्छा चाहिए। तो अगर आपका रैंक खराब है, मतलब थोड़ा सा खराब है, अगर आप लोग का रैंक 2000 या 3000 के आसपास है, तो आप लोग को थोड़ा सा ध्यान, लोग अपना फॉर्म भरिएगा। ठीक, जैसे कि अगर सिविल ब्रांच में आप लोग को जाना होगा, तो उसके लिए आपको 500-600 UR तक रैंक चाहिए। अगर आपका अनरिजर्व कैटेगरी में रैंक 600 तक है या मैक्सिमम 700 तक है, 700 तक, तो आप लोग को है कि सिविल कॉलेज मिल जाएगा कोई ना कोई सिविल कॉलेज। हाँ, लेकिन अगर आप लोग को उस टाइम कॉलेज ढूंढिएगा, तो आप लोग को जो कॉलेज है सिवर या फिर कुछ ऐसा ही कॉलेज मिलेगा जो कि बहुत दूर होगा आप लोग से, या फिर उस कॉलेज का थोड़ा सा अपना कैंपस नहीं होगा, उस टाइप का कॉलेज मिलेगा। तो प्रेफरेंस वाइज अगर आप लोग को अपना कॉलेज चाहिए, तो सबसे पहले आप लोग जो है बेस्ट कॉलेज ही डालिएगा। अगर आप लोग का लक अच्छा रहा, तो आप लोग को आपका बेस्ट कॉलेज भागलपुर, बख्तियारपुर, मुजफ्फरपुर या फिर गया, ये चारों में से कोई एक मिल जाए, तो प्रेफरेंस में आप लोग टॉप में हमेशा आप अच्छा ही कॉलेज डालिएगा। ठीक, उसके बाद आप लोग को कौन सा कॉलेज डालना है जो आपके घर के आसपास होगा, वैसा कॉलेज। ये है हो गया कि जिनका रैंक थोड़ा मोड़ा अच्छा है कि वो कॉलेज मिल जाएगा। मेनली सिविल और CSE ब्रांच, कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए ऐसा करना जरूरी होगा। अगर आप लोग मैकेनिकल और फिर इलेक्ट्रॉनिक से हैं या फिर इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रिकल में भी थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत होता है ब्रांच लेने में, तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल जो टॉप कॉलेज हैं जिनका रैंक थोड़ा सा अच्छा है वो उनको मिल जाएगा। बाकी मैकेनिकल में तो सबका एडमिशन होना ही है, इस बार 1300 प्लस सीट है मैकेनिकल का, और इलेक्ट्रॉनिक्स का भी सेम होगा, लेकिन सिविल का 400 प्लस सीट है कुछ ना कुछ, तो ओनली 400 स्टूडेंट का ही एडमिशन होना है सिविल में, 400 प्लस समथिंग में है। तो आप लोग पहले टॉप कॉलेज डालिएगा, फिर उसके बाद आप लोग अपने घर के आसपास का कॉलेज डालिएगा, या फिर उसके रिलेटेड। सपोज अगर आप लोग मुजफ्फरपुर में हैं, आप लोग का घर अगर मुजफ्फरपुर में है, तो आप लोग के घर के आसपास का कॉलेज कौन कौन सा हो जाएगा, समस्तीपुर का कॉलेज हो जाएगा, समस्तीपुर, फिर एक वहां से बेगूसराय भी हो सकता है, उसके बाद शिवहर हो जाएगा, मोतिहारी हो जाएगा, वेस्ट चंपारण हो जाएगा। ये सब कॉलेज जो है मुजफ्फरपुर से 2 से 3 घंटा के अंदर में आप लोग का जो है कॉलेज सब आ जाएगा। अगर आप लोग भागलपुर के हैं, तो आप लोग कौन कौन सा कॉलेज डालिएगा। तो अगर आप लोग भागलपुर के हैं, तो सबसे पहले तो आप लोग भागलपुर ही डालिएगा, उसके बाद आप लोग कौन सा कॉलेज डाल सकते हैं। अगर आपको अपने घर के आसपास का कॉलेज लेना है, तो भागलपुर के आसपास कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा आपका, पूर्णिया, खगड़िया और इधर बांका, जमुई, ये सब कॉलेज जो है आप लोग अगर भागलपुर के आसपास है, तो ये सब कॉलेज को आप लोग डाल सकते हैं। अगर आप लोग को ऐसा है कि आप लोग का रैंक थोड़ा सा खराब है, लेकिन फिर भी आप लोग जो अपना टॉप कॉलेज आगे में डालिएगा बाय लक, आप लोग का
अच्छा कॉलेज मिल जाए, उसके बाद आप लोग अपने घर के आसपास का कॉलेज, उसके बाद जितने भी सारे कॉलेज है रैंक खराब है इनका, और जिनका रैंक अच्छा है, जिनका रैंक 100 के अंदर में आया है, तो जिनका रैंक अगर 1 आया है वो तो सिर्फ एक ही कॉलेज जो डालेंगे उनको अपने मन की चॉइस पर होगा, 1 to 10 वालों के लिए मेनली। तो अगर सिविल में अगर 1 to 10 बस का 100 का 100 सिविल डालता है और सिर्फ सबको भागलपुर डाल देगा तो उसमें भी उसका छूट जाएगा। तो जिनका रैंक 10 है वो 2 से 3 कॉलेज डालेंगे, जिनका रैंक 15 तक गया है वो 4 कॉलेज डालेंगे। इस हिसाब से आप लोग अपना देख लीजिएगा, जिनका रैंक अब 3,000 है 4,000 है उनको तो उनके ब्रांच, अगर उनको सपोज सिविल चाहिए तब तो 4,000 वालों के लिए तो सपना ही हो जाएगा, 3,000 वालों के लिए सपना है कि उसको सिविल मिल जाए, लेकिन मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए तो वो उस हिसाब से अपना कॉलेज डाल सकते हैं। जिनका रैंक 3,000 या फिर 4,000 है वो अपना सारा कॉलेज का लिस्ट डाल देंगे, उनका एक कॉलेज में होना ही है, लेकिन उसका प्रेफरेंस क्या होगा कि सबसे पहले आप लोग बेस्ट कॉलेज ऊपर में डालेंगे, जो 4 बेस्ट कॉलेज है भागलपुर, बख्तियारपुर, मुजफ्फरपुर, गया। और अगर आप लोग को टाइट एग्जाम चाहिए तो फिर आप लोग सीतामढ़ी ले सकते हैं टाइट एग्जाम के लिए। सीतामढ़ी में थोड़ा सा टाइट एग्जाम होता है, मतलब कि अकॉर्डिंग टू पढ़ाई यहाँ पर एग्जाम बहुत ज्यादा टाइट होता है, सबको लगता है कि सीतामढ़ी में एग्जाम टाइट, मतलब कि सीतामढ़ी कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, शिवहर कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, बट है, और वहाँ पर एग्जाम थोड़ा सा टाइट किया जाता है। तो उस हिसाब से आप लोग देखिएगा कि बेस्ट कॉलेज कौन सा हो, तो इन सब में एग्जाम टाइट होता ही है, भागलपुर, बख्तियारपुर, गया, मुजफ्फरपुर, क्योंकि ये लोग बेस्ट कॉलेज है और हमेशा बेस्ट ही चाहेंगे। ठीक, अगर आप लोग का जैसे सपोज आप लोग नवादा के हैं तो नवादा कहाँ पर पड़ेगा आप लोग का, आप लोग उस हिसाब से अपना देखिएगा कि हाँ नवादा के आसपास में 4-5 डिस्ट्रिक्ट कौन सा आ रहा है, या फिर आपका रैंक कैसा। अगर आपका रैंक अच्छा है तो आप लोग बेस्ट कॉलेज में लीजिए, वो अच्छा रहेगा। अगर रैंक खराब है थोड़ा सा तो बेस्ट कॉलेज को ऊपर में डाल दें, और फिर उसके बाद आप लोग का जो भी कॉलेज है एक्स्ट्रा में सारा कॉलेज 38 का 38 कॉलेज डाल दें। कहीं पर अगर कोई ब्रांच नहीं है तो उसमें 37 हो सकता है, और ये पूरा गवर्नमेंट कॉलेज का लिस्ट है। अगर आप लोग वहाँ ऑनलाइन फिलिंग कर रहे हैं तो उसमें आप लोग ऊपर में स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज चूज कर लीजिएगा, नहीं तो वहां पर एक बोध गया इंस्टीट्यूट प्राइवेट कॉलेज है, उस हो सके तो गलती से कोई वो भी डाल दे तो उनका वो प्राइवेट में चल जाएगा। तो इससे इससे बढ़िया रहेगा कि बोध गया इंस्टीट्यूट, बोध इंस्टीट्यूट ऑफ गया करके कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है जिनका लिस्ट उसमें दिया गया है, तो उसको आप लोग हटा करके ही भरिएगा तो वो अच्छा रहेगा। आप लोग को पता चल गया होगा कि किस तरह से आप लोग अपना कॉलेज डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।